चलें बेटे, चलिए आगे चलते हैं बेटा। हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 102। क्वेश्चन 22, पेज नंबर 102। बेटे अनइक्वल लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने लेक्चर 6 में आपको अनइक्वल लाइफ के बारे में बताया था, अभी मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। और मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन 22 आपकी स्टडी से मैंने लिया, लिखा भी हुआ है कि कहां से लिया बेटे। तो क्वेश्चन 22 आप ही की स्टडी से लिया है और मैंने लिख भी दिया बेटे कहां से लिया है। चलिए बेटा पढ़ लीजिए। A most profitable company in the course country is faced with the prospects of having to replace a large stamping machine. The machine currently marketed will do job satisfactorily. The Zenith machine, ठीक है बेटे, एक कंपनी है, इसके पास चॉइस है कि इसको दो मशीनों में से एक मशीन लेनी है। एक है जी Zenith, Zenith मशीन अगर ये ले लेती है तो इसकी परचेज कॉस्ट है 1,00,000 रुपए की। रनिंग कॉस्ट 40,000 रुपए की। और बेटे दूसरी मशीन है गोदरेज की परचेज कॉस्ट 1,50,000 रुपए की। और बेटे गोदरेज की रनिंग कॉस्ट 30,000 रुपए की है मेरे बच्चे, आराम से। और बेटे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, इसका मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ वन इंप्लाइज रिजेक्शन ऑफ अदर। बोथ मशीन्स हैव अ 10-year लाइफ, चांस की बात है बेटे, लाइफ सेम है, लाइफ इज 10 years, दोनों मशीन्स की लाइफ 10 years है। स्ट्रेट लाइन मेथड, टैक्स रेट 50, ठीक है जी, प्लीज पढ़ लीजिए बेटे, मैंने तो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 102, कंपनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लाइफ 10 years, Zenith एंड गोदरेज। एक बच्चा कहने लगा जब ये लाइफ इक्वल है तो अनइक्वल में क्यों डाला है। हाँ बेटे बिल्कुल आपकी बात सच है, अगर लाइफ इक्वल है तो आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से कर सकते हैं, गलती से ये अनइक्वल में डल गया, आप इसको इंक्रीमेंटल से कर सकते हैं क्योंकि लाइफ इक्वल है। तो बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको वर्किंग नोट 1 तो कराई चुका हूं, तो मैं अभी इसमें वर्किंग नोट नंबर 2 से चलूंगा। मैं लिख रहा हूं एज लाइफ इज इक्वल। बेटे एक बात को मैं बताऊं, अगर लाइफ इक्वल है तो फिर आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही चलना चाहिए। वैसे आप सेपरेट से भी कर सकते हैं लाइफ इक्वल में, लेकिन आपको उस केस में इंक्रीमेंटल ही फॉलो करनी है, एज लाइफ इज इक्वल। As life is equal, so it is better to evaluate. To evaluate the decision on the basis of इंक्रीमेंटल अप्रोच। आराम से बेटे, आराम से चेक कर लीजिए। मैंने कहा अगर लाइफ इक्वल है तो आपको इंक्रीमेंटल से करना चाहिए, फिर आप ESEO ENPP भी मत निकाले, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी मेन क्वेश्चन। अच्छा अब एक दिक्कत ये आएगी कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच आउटफ्लो कैसे निकालें, तो मैं लिखूंगा
while following incremental approach. While following incremental approach, we will assume, hum ye manenge, we will assume the machinery having higher purchase price will be purchased. तो बेटा नेगेटिव नहीं आएगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं. While following incremental approach, we will assume that the machinery having higher purchase price will be purchased. ठीक है जी, आराम से. तो मैं यहाँ पर मेन आंसर की तरफ शुरू कर रहा हूँ. स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो. मैं अज्यूम कर रहा हूं एज इफ गोदरेज स्टैंपिंग मशीन हैज बीन परचेस्ड. मैं ये मान रहा हूं कि गोदरेज मशीन मैंने खरीद ली. तो मैं लिख रहा हूं क्योंकि गोदरेज की परचेज प्राइस 1.5 लाख है और जेनिथ की 1 लाख है. अब नेगेटिव में आंसर ना आए तो मैंने इसलिए माना कि गोदरेज ही खरीद ली है. तो मैं लिख रहा हूं जी इंक्रीज इन परचेज प्राइस ऑफ गोदरेज. अगर मैंने गोदरेज खरीद ली तो बेटे 1.50 माइनस 1 लाख 50,000 रुपए मेरे सामने आ जाएंगे और कुछ है नहीं. मैं इसलिए लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल आउटफ्लो 50,000 रुपए. वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, कुछ बेचा भी नहीं, तो एसटीसीजी भी नहीं, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी नहीं. तो बेटे 50,000 रुपए आ गया जी स्टेप नंबर वन. बेटे स्टेप टू, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो. बेटे फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं. ईयर पर्टिकुलर्स बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स. लो बेटे ले लो, ईयर देख लीजिए बेटे 10 है तो 1 से 10 ऑपरेटिंग कॉस्ट, 1 से 10 डेप्रिसिएशन, 1 से 10 में आप चेक करिए जी सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट. 40 और 30 बेटे 10,000 रुपए की है सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट. और डेप्रिसिएशन देख लीजिए, वर्किंग नोट बना देते हैं. Depreciation in Zenith and depreciation in Godrej. तो Zenith और Godrej दोनों की depreciation भी निकाल सकते हैं बेटे, मुश्किल तो है ही नहीं. मुश्किल तो बेटे मन का वहम है. लो बेटे 5,000 रुपए ये आपके सामने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया. बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, जबकि आज मैं अभी एक क्वेश्चन आपको WDV का भी कराने वाला हूं, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड भी करेंगे. तो चलिए जी आराम से आप चेक कर लें और 5,000 रुपए की यहां पर डेप्रिसिएशन लिख दें. और बेटे 50% का रेट है, आप समझ गए ना, 10,000 इंटू 1 माइनस 0.5 बेटे 5,000. बेटे 50% ऑफ डेप्रिसिएशन 5,000, तो बेटे 2,500. तो बेटे ये स्टार
बेटे ये डबल स्टार और बेटे टोटल 7500 एक से 10 इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो और बेटे 10th ईयर में इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो लो बेटा बेटे ना तो वर्किंग कैपिटल थी ना स्क्रैप वैल्यू थी तो नील आ गया स्टेप 2 भी कंप्लीट है मेरे बच्चे क्वेश्चन 22 कर रहे हैं समय आओ जी स्टेप 3 आप भी क्या याद करोगे किसी से पाला पड़ा था कि कोई इतने क्वेश्चंस भी करा सकता है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एनपीवी ईयर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू स्लैश एनयूटी और बेटे प्रेजेंट वैल्यू 0 1 टू 10 बेटे 50000 बेटे 1 बेटे 50000 और बेटे 7500 लो ना बेटे लो ना बेटे टैक्स का पीवी रेट 10% का है बेटे तो कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भूल भी गया तो ऊपर 12 लिखा होगा देखो 12 लिखा ग्रैंड टोटल 6.1445 इनटू 7500 यार जी 46083 यहां पे लिख दिया जी मैंने टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस और नीचे लिख दिया जी इंक्रीमेंटल एनपीवी माइनस 50 लो जी ये आ गया जी आंसर बिल्कुल देखिए जी डिसीजन सेम होगी हल्का सा आंसर चेंज है 4 रुपए का तो अंतर है जी 3916 रुपए तो मेरे भी आ रहे हैं लिखिए जी द मैनेजमेंट जागो एक बेटा सो रहा है बेटे सोना नहीं है जागो बेटे कमर सीधी करो मेहनत हो रही है पसीना निकल रहा है बेटे भाग मिल्खा भाग मैं पसीना जैसे निकला था वैसे पसीना निकल रहा है मेरे बेटे तो लिखो द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड बेटे जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था तो सोचा क्या था गोदरेज ले ले नॉट टू परचेज गोदरेज स्टैंपिंग मशीन एज इट इन्वॉल्व्स लोअर लोअर इन लोअर क्या नेगेटिव इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख लीजिए बेटे क्वेश्चन नंबर मैंने 22 करा दिया है मैं 23 की तरफ चल रहा हूं वैसे 23 तो मैंने बेटे फुल आंसर दे दिया है बेटे फुल आंसर दे दिया है बेटे ऐसे तो मैंने 24 का भी फुल आंसर दे दिया आप चेक करिए बेटे अनइक्वल लाइफ है कांसेप्ट समझाया है मुझे उम्मीद है कि 23 और 24 तो बेटे पूरे सॉल्व भी कर दिए बोलो बोलो ना तो बेटे 23 24 मेरे को ऐसा लगता है आप कर चुके हैं 25 मैंने करा दिया है मैं सीधा आ गया जी 26 मैं सीधा आ गया जी 26 unequal 27 28 बस बेटे तीन क्वेश्चंस ये कराने दो ये कराने टोटल मुझे 4-5 क्वेश्चंस और कराने हैं आराम से बेटे कोई जल्दी नहीं है आराम से
ठीक है बेटा 26 क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। हम इस समय डाउट्स ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, क्वेश्चन 26 पेज नंबर बेटा पेज 106 क्वेश्चन 26। मैंने ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, फिर भी मेरी महानता है कि मैं करा रहा हूँ, मेरा सेवा भाव है आपके प्रति जो मैं इनको करा रहा हूँ। ठीक है जी, अ फर्म इज कंटेम्पलेटिंग टू इंस्टॉल ईदर ऑफ द टू मशीन्स वर्किंग नोट 1। देखिए मैं कैसे करता हूँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं उसको चित्र लिखता हूँ। एक कंपनी दो मशीन्स को इंस्टॉल करना चाहती है, दो में से किसी को भी, और दोनों की दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटे। एक तो है मशीन नंबर एक्स और दूसरी है मशीन नंबर वाई। बेटे एक्स को देखें तो 10 इयर्स की लाइफ है और वाई को देखें तो बेटे 6 इयर्स की लाइफ है। मशीन एक्स विल रिकवर सैलवेज वैल्यू ऑफ 1500 इन द ईयर 10 व्हाइल मशीन वाई विल रिकवर रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर। डिटरमाइन विच मशीन इज चीपर, अंडरलाइन कर दीजिए, विच मशीन इज चीपर अज्यूमिंग दैट बोथ ऑफ द मशीन्स हैव द सेम कैपेसिटी। देखिए बेटा नीचे मैंने सॉल्व कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं, एक मिनट लगाकर मैं बता रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लिया हो तो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 लिखूंगा, मैं वर्किंग नोट 2 लिखूंगा। बेटे वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं ये लिखूंगा मशीन एक्स एंड मशीन वाई हैव अनइक्वल लाइफ, अनइक्वल लाइफ लाइफ्स, सो वी विल फॉलो सेपरेट अप्रोच। इसलिए बेटे हम सेपरेट अप्रोच फॉलो करेंगे। ऑल्सो एज रिक्विजिट इंफॉर्मेशन has not been specified, as requisite information has not been specified regarding cash inflows, regarding cash inflows, hence we will calculate कैश आउटफ्लोस। बेटे इसलिए हम कैश आउटफ्लोस निकालेंगे। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 26 में आप आ जाइए, लिखिए जी स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लोस इन केस ऑफ मशीन X, लो बेटे, इन केस ऑफ मशीन X, ईयर पर्टिकुलर्स बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यूज, लो बेटे जीरो परचेज प्राइस 10,000, 10,000, 1, 10,000। अब बेटे आप ध्यान से देखो, 1 से 3 तक ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है और बेटे 4 से 6 भी सेम है। देखो मैं कैसे करके दिखा रहा हूं, बेटे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और बेटे 7 से 10 भी सेम है। तो देखिए जी मैंने नीचे कुछ अलग ढंग से किया, सेपरेट सेपरेट किया है, लेकिन आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं मेरे बेटे।
और 10th ईयर में टर्मिनल होगी और टर्मिनल 1500 रुपए की है, आराम से देख लीजिए। ओहो बेटे ये 2500 यहां लिखना था, ये 3000 यहां लिखने थे, ये 1500 यहां लिखने थे, ये 2500 काट कर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख रहा हूं, ये 3000 काट कर ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख रहा हूं, और ये बेटे चलिए कोई बात नहीं दूसरा बना लेता हूं, अच्छा नहीं लग रहा आपको। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लोस, लो बेटे दोबारा बना देता हूं, ईयर पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और लास्ट में है बेटे प्रेजेंट वैल्यू, ये लीजिए जीरो परचेज प्राइस, बेटे 1 से 3 ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेटे, 4 से 6 भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्योंकि वो सेम है इसलिए मैं उसी ब्लॉक को ले रहा हूं, 7 से 10 भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और 1 से 10 डेप्रिसिएशन है और 10th ईयर में टर्मिनल कैश इनफ्लो है, आराम से देख लीजिए बेटे लॉजिक वही चलेंगे मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अभी तक बताया। यहां लिख देंगे जी टोटल ऑफ नेट कैश आउटफ्लो परचेज प्राइस बेटे 10,000 बेटे 10,000 बेटे 1 बेटे 10,000 बेटे 2000 बेटे 2500 और बेटे 3000 और बेटे डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एक्स बेटे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एक्स 10,000 माइनस 1500 अपॉन 10 8,500 अपॉन 10 850 रुपए की बेटे डेप्रिसिएशन है, चेक करिए 850 रुपीस की बेटे डेप्रिसिएशन है, बट बेटे टैक्स का रेट नहीं दिया ना, चेक करिए एज टैक्स रेट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, क्योंकि टैक्स का रेट गिवन नहीं है, हेंस वी विल इग्नोर टैक्स, हम टैक्स को इग्नोर कर देंगे, हेंस बेटे फिर डेप्रिसिएशन को यूज नहीं है, हेंस डेप्रिसिएशन इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, इसलिए डेप्रिसिएशन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए जी यहां पर डेप्रिसिएशन मैं काट रहा हूं और ये बिफोर टैक्स भी सेम है आफ्टर टैक्स भी सेम है क्योंकि टैक्स रेट है ही नहीं और सीधा मैं ये 1500 लिख रहा हूं। अब बेटे ये निकालना सिखा रहा हूं कि आप कैसे निकालेंगे, जैसे 1 to 3, 4 to 6, 7 to 10 निकाल सकते हैं बेटे, आप बताइए ये 1 है ये 10 है ये 3 है ये 6 है और ये 10 है, अब 10% का रेट है ठीक है जी, 10% है बेटे 10% तो करते हैं 1 divided by 1.10 1, 2, 3 ये आ गया जी पॉइंट, ये आ गया बेटे पॉइंट, ये आ गया जी 2.486। अब जब आप एन्यूटी निकालते हैं ना वो 1 से आती है तो मैं पहले 1 टू 6 तक निकालूंगा उसमें से 1 टू 3 की लेस कर दूंगा, 1 divided by 1.10 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया जी टोटल 4.355 बेटे इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2.486 ये आ गया जी 1.869 बहुत इजी है बेटे। अब जैसे 10 तक करना है तो मैं एक साल पहले 10 तक करूंगा 1 divided by 1.10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 तो नहीं होना चाहिए था, मैं एक्चुअली में उस ऊपर देखना भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रैंड टोटल ये आ गया जी 6.144 माइनस 4.355 ये आ गया जी 1.789 आराम से बेटे आराम से देख लीजिए। बस देखिए मैंने इंडिविजुअल करने की बजाय मैंने इकट्ठा कर दिया तो कितनी जल्दी हो गया 2.486 1.869 ये आ गया जी टोटल कर दीजिए 2000 × 2.486 4972 2500 × 1.869 ये आ गया जी 4672 3000 × 1.789 ये आ गया जी 5367 और बेटा ये माइनस करना है टर्मिनल गधों गधों को ऐड करना है घोड़ों को लेस करना है मतलब आउटफ्लो 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 को जमा करना है और इनफ्लो को लेस करना है टर्मिनल कैश इनफ्लो को लेस करना है आउटफ्लो को जमा करना है तो 10,000 प्लस 4972 प्लस 4672 प्लस 5367 माइनस 1500 तो ये आ गया जी 23,511 तो बेटे आ जाओ आओ आओ बेटे इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो 23,511 ऑन एन एवरेज 6.144 कैसे आया 10th ईयर का 10 ईयर का 10% में कर दीजिए डिवाइडेड बाय 6.144 ये आ गया जी 3826 यही आंसर है लगभग तो थोड़ा डेसिमल्स की वजह से हो गया बेटे बिल्कुल ऐसे ही मशीन वाई का कर देंगे तो यहां लिख रहा हूं जी इट इंप्लाइज इफ मशीन एक्स इज बीइंग परचेज्ड अगर मशीन एक्स परचेज की गई है देन ई ए सी ओ इज रुपीज 3826 पर ईयर ऑन एन एवरेज तो बेटे इसी तरह से वाई की भी निकाल देंगे देखो एक बच्चे को नींद आ रही है थप्पड़ मारो उसको एक ने तो बिल्कुल नींद करने की तैयारी कर दी है हद कर दिया चलिए मशीन वाय का निकालिए मशीन वाय स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ मशीन वाय ईयर पर्टिकुलर्स बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू ये लीजिए बेटे जीरो और बेटे 1 to 3 बेटे 4 to 6 बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटे टर्मिनल कैश इनफ्लो बेटे 8000 बेटे 8 बेटे 8 बेटे 2500 बेटे 3800 और मेरे बच्चे ए मेरे लाल ए बच्चा बेटे 1000 तो बेटे 1 से 6 तक तो निकाला था 4.355 लेकिन पहले 1 से 3 लिख देते हैं बेटे 2.486 फिर बेटे 4 टू 6 भी निकाला था 1.869 3800 लो बेटे 6th ईयर का एक बार देख लो
ये आ गया जी 0.564। लो जी, लो जी 564 नेगेटिव है बेटा। टर्मिनल तो 2500 इनटू 2.486 ये आ गया जी टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आया जी EACO 20,753 upon 4 to 6 4.355 4.355 ये आ गया जी 4765। बिल्कुल आंसर सेम आ गया सर। जय 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 माता दी, जय माता दी। हे माँ पास करा, माँ झंडे वाली माँ हलवा पूड़ी बांटेंगे, माँ पास करा पास करा। तो लिखो बेटे द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू परचेस The management may be advised to purchase machine X as it involves lower incidence of EACO। आराम से बेटे, बेटे इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। और बेटे मैं आगे चलूंगा और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 27 भी करके दिखा दूं आपको। तो आइए जी 27 नंबर आपके पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन 27 और मैं फिर 28 करूंगा। तो आइए जी क्वेश्चन 27। एक्सपर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू बाय वन ऑफ द टू मशीन्स, वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, एक कंपनी दो प्रोजेक्ट्स में से कोई भी एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहती है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, बाय अ मशीन दैट रिक्वायर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड विल गिव कैश फ्लोज। अब बेटे यहां पर इनफ्लोज दी हुई है, बहुत बढ़िया, 30,000 फॉर 5 इयर्स। और बेटे यहां पर 1,25,000 रुपए की आउटफ्लो है, और बेटे 27,000 रुपए, और बेटे 8 इयर्स। आराम से बेटे, विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। अब देखिए यहां मजा आएगा, आपको इनफ्लोज गिवन है, एनपीवी निकालेंगे और हम इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालेंगे। पहली बार ऐसा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालेंगे। तो आइए मेहरबान कदरदान, जो लगाएगा वही पाएगा। आओ लगाओ मेरे बेटे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट नंबर ए, ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनुटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यूज। लो मेरे बेटे 0, 1 to 5। ओ बेटे फिफ्थ ईयर में कुछ है तो देख लेंगे। बेटे 1 लाख रुपए की आउटफ्लो है, 1 लाख रुपए की आउटफ्लो है, और बेटे 30,000 रुपए आपको दिया हुआ है और 10% में करना है। नीचे फैक्टर्स दिए हैं बेटे 1 upon 1.10, 1, 2, 3, 4, 5,
ये आ गया जी 3.169। हम तो एन्यूटी से करेंगे, हम तो एन्यूटी से करेंगे, हमें तो जो मिलेगा हम तो करेंगे उसको डिस्काउंट, हमें तो जो भी मिलेगा हम तो उसको करेंगे डिस्काउंट। तो बेटे टोटल ऑफ, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, हमें तो जो भी मिलेगा हम करेंगे डिस्काउंट। आइए जी मैं लिख रहा हूं एनपीवी इज इक्वल टू 95070 माइनस 1 लाख, ये आ गया जी 4930। मुझे लगता है कुछ गलती हो रही है, देख लेते हैं भाई साहब। बेटे मैंने ये फैक्टर ही गलत लगाया, 3.790 आ रहा बेटे, ये देख लो, ये लो बेटे, लो बेटे, लो। तो बेटे 30,000, ये आ गया जी 1,13,723 और ये टोटल आ गया जी 1,13,723। लो बेटे एनपीवी दोबारा से निकालेंगे बेटे, गलत निकली है, एनपीवी इज इक्वल टू 1,13,723 माइनस 1 लाख, बेटे 13,723 इक्वलेंट एनपीवी। आओ जी भाग किससे करें, 5 से या उसकी एन्यूटी से। लो जी लो, लो मेरे बच्चे, लो ना 13/3.790, 3,620 रुपए अप्रोक्सीमेटली आ गए बेटे, यही आंसर है। क्या मतलब हुआ, इन केस प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेड, इन केस प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेड देन ऑन एन एवरेज, आहा आहा आहा, रुपीज 3,620 विल बी एनपीवी फॉर 5 ईयर्स। बेटे देख लो लिख दिया, अब आ जाइए बेटे मशीन बी, प्रोजेक्ट बी, स्टेटमेंट शोइंग। एक बच्चा कह रहा है सर इतनी दूर से हम बैठे हैं, क्या हमारा मन नहीं करता कि हम करें, सर आप 1 मिनट बात करना पहले हम कर लें, हमारे से इस बार गलती हो गई कि हम घर से नहीं करके आए। कोई बात नहीं बेटे, आपने गलती मान ली बेटे, बहुत बड़ी बात है, प्लीज आप खुद करें एक बार। लो बेटे कर दो, आप यहां मत देखना, नहीं देखना बेटे, कसम होगी अपना खुद करो, अपना अपना। बेटे
अपना अपना अकेले तुम अकेले हम अकेले तुम अकेले हम अकेले तुम अकेले हम लो बेटे ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू लो मेरे बच्चे ऐ मेरा बेटा मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा ऐ मेरे बच्चे बेटे मेहनत करने के बाद फल मीठा लगता है बेटे यही तो दिन है मेहनत करने के बेटे फिर तो पूरी लाइफ दिवाली दिवाली है और मेरा बच्चा 5.335 144,045 लो ना बेटे लिखो ना नाराज क्यों हो रहे हो ये लो लो ना बेटे मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर किया होगा या कर चुके होंगे क्योंकि आप होनहार हैं होनहार बलवान के होत हैं चिकने पात होनहार बलवान के होत हैं चिकने पात ये लो बेटे बेटे 19,045 आपके सामने आ गया है तो इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी 19,045 भाग में 5.335 लो जी लो मेरे बेटे 3569 लो बेटे लो तो बेटे एनपीवी को मैक्सिमाइज करना होता है आप बात समझ रहे हैं तो मैक्सिमाइज किसकी है बताइए प्रोजेक्ट बी की या ए की निकली थी 3620 तो लिखिए रिकमेंडेशन गलत मत लिखिएगा आउटफ्लो को मिनिमाइज करना होता है ईएसीओ को ईएनपीबी को मैक्सिमाइज करना होता है द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए एज इट इन्वॉल्व्स हायर हायर एनपीवी ईए एनपीवी लो बेटे मैं 28 में आ गया मेरे बेटे 28 और एक 29 बस बेटे दो क्वेश्चंस करने 30 का तो आंसर ही दे दिया बेटे तो 28 और 29 मैंने करने और बेटे कहानी किस्मत की खत्म हो जाएगी आइए रिप्लेसमेंट डिसीजन खत्म हो जाएगा बेटे बड़ी मेहनत से कराया फिर नेक्स्ट लेक्चर 8 में थ्योरी कैपिटल राशनिंग और बाकी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बेटे टॉप लेवल पे पहुंच गए पहाड़ के अब तो नीचे डाउन ही है तो निकाल लीजिए पेज नंबर 108 निकालिए प्लीज पेज नंबर 108 क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई तो किया होगा बेटे मुझे इतनी तो उम्मीद है और लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट सीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सीएस प्रोफेशनल बेटे सीएस प्रोफेशनल के लिए बड़ा ही प्रीशियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं आइए क्वेश्चन 28 हम पढ़ रहे हैं एस इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस और रिपेयर अ मशीन एक कंपनी है जी एस इंजीनियरिंग उसके पास एक पुराना एसेट पड़ा हुआ है जी वो पुराना एसेट को सोच रही है कि रिपेयर कराया जाए या बदल ही दे उसको नया ले ले रिप्लेस कर दे पिछले साल इस मशीनरी को चलाते चलाते 20,000 रुपए लग गए थे जी 20,000
और दीज कॉस्ट आर रियल, मैंने आपको बताया था रियल ही होती है और कॉन्स्टेंट परचेसिंग पावर होती है. अ फर्दर लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, बेटे 5 साल और लग जाएंगे और लग और चल सकती है. अगर अभी इसको रिपेयर करा दिया गया, 19,000 रुपए खर्च कर दिए, इफ द मशीन इज नॉट रिपेयर, अगर बेटे रिपेयर कराया तो 19,000 रुपए लग जाएंगे, और अगर नहीं कराया तो बेच दो पुरानी मशीन को, बेच दो, 5,000 की बिक जाएगी. फिर वो कह रहा है इग्नोर कैपिटल गेन, ठीक है जी. तो ये तो पुरानी मशीनरी की बात है. अच्छा, जब हम रिप्लेस कर देंगे तो नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी फिर उसकी जगह. अल्टरनेटिवली द कंपनी कैन बाय अ न्यू मशीन फॉर ₹49,000 जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है. In this case, running and maintenance cost will reduce two. एक बच्चा ध्यान से नहीं देख रहा. Two. बेटे two में और buy में बड़ा ही अंतर है. Two का मतलब उतना, buy का मतलब उतने से. ठीक है जी. Reduced to this, you are expected to increase in this. As engineering is normal, rate of return is 10%, and you have to decide tax rate is 50%. बेटे आराम से पढ़ लो, मैं तो चाहता हूँ ईमानदारी से एक बार आप पढ़ो, फिर मैं आगे चलूँगा. एक दो मिनट और दे रहा हूँ बेटे, पढ़ लो पहले. बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो मैं इसमें एक बात ये लिखवाना चाह रहा हूं कि इसमें और बाकी सब क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है. इन दिस क्वेश्चन वन ओल्ड मशीनरी, वन ओल्ड मशीनरी इज already exist, that is especially this, the exist pak likhe. Note number 2, as unexpired life of old machinery is not equal to life of new machinery, is not equal to life of new machinery. Hence separate approach will be followed. ठीक है जी. तो चलिए जी, क्वेश्चन 28 का मेन आंसर शुरू कर रहे हैं. स्टेटमेंट शोइंग
calculation of cash outflow in case old machinery continues. हम old machinery को continues कर रहे हैं after repair. We continue with the old machinery after repair. लो बेटे चलिए जी year particulars before tax after tax present value factor and present value. लो जी जीरो बेटे परचेज तो करनी नहीं, परचेज तो ऑलरेडी है, हाँ रिपेयर करानी पड़ेगी बेटे 19,000. और बेटे हम मान रहे हैं कि रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स की छूट मिलेगी, इसलिए मैं 9,500 ले रहा हूँ. कैसे आया 9,500? 19,000 इंटू 1 माइनस 0.5 आफ्टर टैक्स 9,500. बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट ही एक तरह की, ठीक है जी. आगे बेटे लाइफ जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटे कितनी 20,000 रुपए की. वो कह रहा है लास्ट ईयर 20,000 की थी, इसका मतलब 20 ही लेके आ गए नहीं 10,000. और बेटे 1 to 5 3.791 और बेटे 1 to 5 में 10,000 × 3.791 ये आ गया जी 37,910. तो यहां लिख दीजिए टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. अब बेटे यहां लिख दीजिए ईएसीओ इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो, ये आ गया जी 12,506 रुपए. देख लीजिए 12,506 रुपए. तो बेटे मैं आ गया जी दूसरी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो इन केस न्यू मशीनरी इज बीइंग परचेज्ड. अगर नई मशीनरी खरीद लें तो फिर हमारी जेब से कितने पैसे जाएंगे? पर्टिकुलर्स बेटे बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स प्रेजेंट फैक्टर्स एंड प्रेजेंट वैल्यू. ये लीजिए बेटे परचेज प्राइस आपको देनी पड़ेगी बेटे 49,000 बेटे 1 to 10 रनिंग कॉस्ट इनकर होगी 14,000 7,000 और बेटे 6.145 और बेटे 1 to 10 डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा. और डेप्रिसिएशन देख लीजिए
49,000 minus 0 upon 10 is equal to 4,900. तो बेटे 4,900 2,450 और बेटे टैक्स सेविंग होगी तो माइनस कर दिया है और बेटे जीरो पीरियड में सेल प्राइस ऑफ ओल्ड ओल्ड का जो सेल प्राइस है वो लेस कर देंगे क्यों क्योंकि बेटे जब सेल प्राइस ऑफ ओल्ड लेस होगा तो उसमें कैपिटल गेन नहीं निकालना क्योंकि नई मशीनरी खरीदेंगे तो पुरानी बेचेंगे ना ठीक है जी तो कितने की बिकेगी 5,000 और टैक्स इफेक्ट लेना नहीं है लो जी 5,000 रुपये भी लेस कर देते हैं ये आ गया जी 43015 ये आ गया जी 15,055 तो टोटल कर दीजिए 49,000 प्लस 43015 माइनस 15,055 माइनस 5,000 ये आ गया जी 71,960 71,960 डिवाइडेड बाय 6.145 ये आ गया जी 11,710 यही आंसर है इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो मुश्किल कुछ है ही नहीं आपने मन में वहम बना लिया बस और कुछ बात ही नहीं है बेटे सीधी सी बात तो मैं ये बताऊंगा तो मैं आगे चल रहा हूं रिकमेंडेशन लिखने के लिए द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू परचेज न्यू एसेट As it involves lower incidence of equivalent annual cash outflow, that is 11,710 मेरे बेटे बेटे अब last question रह गया ये lecture number 7 खत्म होने वाला है लास्ट लेक्चर रह गया बेटे मेरे को कुछ WDV के बारे में बताना है मैं चाहता हूं कि एक मिनट के लिए आप एक स्लाइड लिख लें जो मैंने सोची थी कि बताऊंगा